आज के इस वीडियो में हम यह तोरण बनाना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 4-ply की ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे जो कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आगे हमने यहाँ पर 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और धागे काटने के लिए कैंची भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यह तोरण कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले यह फूल कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर सफ़ेद ऊन का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम मैजिक रिंग बना कर लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए केवल हम ऐसे हमारी दो उंगलियों के ऊपर या तीन उंगलियों के ऊपर ऊन को लपेट कर लेंगे और फिर रिंग में सुई को डालकर यह जो दूसरा धागा है उसको हम आगे की तरफ लेंगे और शुरुआत में यहाँ पर बनेंगी हमारी तीन चेन्स। यह तीन चेन्स बन जाने के बाद आगे हमें इसी रिंग में 14 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, यानी कि शुरुआत वाला तीन चेन्स वाला एक डबल क्रोचेट और उसके आगे 14 डबल क्रोचेट, तो टोटल हो जाएंगे 15 डबल क्रोचेट। तो एक बन गया, यह बनाते समय हमें यह जो छोटा धागा है रिंग के साथ हमने जो रखा है तो उसको थोड़ा टाइट करके लेना है और उसको हम साथ में ही लेकर जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर से ही हमारे डबल क्रोचेट रिंग में बनते जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर अब बनेगा हमारा आखिरी डबल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर हमने चेन्स का एक पकड़ के आगे 14 डबल क्रोचेट यानी कि टोटल 15 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। पूरे डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यह छोटा जो धागा है उसको हम खींच कर यह रिंग जो है उसको पूरी तरह से टाइट बनाकर लेंगे। अब जो शुरुआत की हमारी तीन चेन्स थी उसके ऊपरी चेन में यह गैप में सुई को डालकर स्लिपिंग स्टिच के साथ हम इस रिंग को जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा यह पहला जो राउंड है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस प्रकार यहाँ पर फूल तैयार हुआ दिखाई देगा। अब इसके अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस जहाँ पर हमने यह रिंग जोड़ कर ली है वहीं से आगे हम शुरुआत करेंगे। पहले बनाएंगे तीन चेन्स, 1, 2, 3। हमेशा यह तीन चेन्स जो है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करती है। जहाँ पर हमने यह तीन चेन्स बनाई है वहीं पर हम अगला एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर दो दो डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम दो डबल क्रोचेट बना रहे हैं। तो यहाँ आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेंगे हमारे दो डबल क्रोचेट। अब यहाँ शुरुआत की जो हमने तीन चेन्स बनाई थी उसकी ऊपरी चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच के साथ यह राउंड भी जो है वह जोड़ लेंगे। तो हमारा यह फूल कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब ऊपरी राउंड शुरू करने के लिए वापस शुरुआत में बनानी है हमें तीन चेन्स, 1, 2 और 3। अब इस राउंड में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर शुरुआत में तीन चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हम बनाएंगे एक डबल क्रोचेट। तो ये हो गए तीन चेन्स का एक और एक दो डबल क्रोचेट। आगे हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाना है केवल एक डबल क्रोचेट, फिर उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर दो डबल क्रोचेट, यानी कि हम यहाँ पर 2, 1, 2, 1 का पैटर्न रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो डबल क्रोचेट बने हैं तो उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे दो डबल क्रोचेट। तो यह 2, 1, 2, 1 का पैटर्न कंप्लीट करते हुए हमें यह राउंड भी पूरा करके लेना है।
यह जो गिनती है वह ठीक से होनी चाहिए, 2 1 2 1, नहीं तो अगली डिज़ाइन हमारी ठीक तरह से नहीं आएगी। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं, तो अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा 1 डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम यह राउंड जो है वह पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर 2 1 2 1 का पैटर्न कंप्लीट करके हमारा यह राउंड जो है वह भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर जो शुरुआत की 3 चेन्स थी उसके ऊपरी चेन के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा यह जो सर्कल बना है, फूल फूल बना है, वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है। धागे को काटेंगे और लूप में से धागा निकाल कर गांठ लगा लेंगे, क्योंकि इसके आगे अब हमें दूसरे रंग का धागा जोड़ना है। तो देखिए यह हमारा फर्स्ट पैटर्न तैयार है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पर मोर पंखी ऊन का इस्तेमाल किया है, तो मैं यह मोर पंखी ऊन आगे जोड़ूंगी और फिर हम आगे का पैटर्न तैयार करेंगे। तो इसके लिए इस यह जो राउंड बना है उसके किसी भी डबल क्रोचेट के ऊपर हमें इस धागे को जोड़कर लेना है। सिंपल, हमेशा की तरह केवल धागे को हम इस गैप में से, ऊपरी गैप में से निकालेंगे, 2 3 गांठें लगाकर लेंगे। आप कोई भी रंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने 2 3 गांठें लगा ली है। अब यहाँ पर यह राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में बनेंगी हमारी टोटल 8 चेन्स। आठ चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें आगे के 2 डबल क्रोचेट है उनको स्किप करके लेना है। 2 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे हम 1 डबल क्रोचेट। वापस आगे बनाएंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। 5 चेन्स बन जाने के बाद अगले 2 डबल क्रोचेट स्किप करके हमें तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनाना है 1 डबल क्रोचेट। तो इस राउंड में देखिए शुरुआत में जो हमने 8 चेन्स बनाई थी उसकी 3 चेन्स यानी कि हमारा 1 डबल क्रोचेट बन गया, और बीच में हमने यहाँ पर बना कर ली है 5 5 चेन्स। तो आगे भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और 2 डबल क्रोचेट स्किप करके तीसरे डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट। वापस 5 चेन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर यही पैटर्न रिपीट करते हुए हमें यह पूरा सर्कल करके लेना है। तो यहाँ पर आखिर में जो हमने शुरुआत में चेन्स बनाई थी 8, उसमें से 3 चेन्स हम गिन कर लेंगे और तीसरे चेन में यह जो चेन्स 5 चेन्स का लूप है उसको जोड़कर लेंगे एक स्लिपिंग स्टिच के साथ। तो देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, आगे वापस 5 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 और 5। यह 5 चेन्स बनाने के बाद हम इस डिज़ाइन को पलटी करेंगे, टर्न करके लेंगे। यह इस डिज़ाइन का पिछला हिस्सा है और यहाँ पर इस डबल क्रोचेट के ऊपर यह चेन्स की लूप हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेंगे इस प्रकार। देखिए मैं वापस आपसे आपको दिखाती हूँ हमने यहाँ पर क्या किया है। जब हमने यह 5 चेन्स इस तीसरी चेन में जोड़ लिए एक स्लिपिंग स्टिच के साथ, तो हमने उसके ऊपर का राउंड शुरू करने के लिए 5 चेन्स बना कर लिए, 1 2 3 4 और 5। यह 5 चेन्स बन जाने के बाद हमने इस डिज़ाइन को पलटी करके लिया है, और पलटी करने के बाद यहाँ का जो पहला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने यह लूप जोड़ ली है। अब वापस हमें इस डिज़ाइन को टर्न करके लेना है। अब यह उसकी
वापस हमारी सीधी साइड आ गई। यहाँ पर अब बनाएंगे हम तीन चेन्स, एक, दो और तीन। यह तीन चेन्स बन जाने के बाद हमने यह जो पांच चेन्स की लूप बनाई थी उसमें हमें अब बनाने हैं 10 डबल क्रोचेट। देखिए, यह जो हमारी शुरुआत की पांच चेन्स है यह वाली, इसमें नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टर्न करके जो पांच चेन्स बनाए थे उसमें हम बनाएंगे 10 डबल क्रोचेट। पहले हमने तीन चेन्स बना कर ली है, आगे बनाएंगे 10 डबल क्रोचेट, यानी कि इस लूप में बन जाएंगे पूरे 11 डबल क्रोचेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। तो यहाँ पर बन गए हमारे 10 डबल क्रोचेट और शुरुआत का चेन्स का पकड़ के 11 डबल क्रोचेट। अब यह बन जाने के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ का जो, यहाँ पर हमारे डबल क्रोचेट बनकर पूरे हो गए हैं और यह जो हमारी यहाँ डबल क्रोचेट है, सीधा खड़ा वाला डबल क्रोचेट, उसमें हमें अब बनाने हैं पांच डबल क्रोचेट। देखिए इस प्रकार, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो यहाँ पर सीधे खड़े वाले डबल क्रोचेट में बनेंगे पांच डबल क्रोचेट इस प्रकार। तो यह जो पांच डबल क्रोचेट हमने बनाए हैं उनको अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हम जोड़कर लेंगे इस प्रकार। देखिए, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार एस आकार की डिज़ाइन हमें दिखाई देगी। तो अब हमें क्या करना है, आगे वापस पांच चेन्स बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। डिज़ाइन को टर्न करके लेना है और टर्न करने के बाद जहाँ पर हमने यह सिंगल क्रोचेट के साथ, देखिए यह हमारे 11 यहाँ पर डबल क्रोचेट है और यहाँ पर पांच है, तो ये जो गैप दिखता है, तो पीछे की तरफ से हम यहाँ पर इन चेन्स को वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर जोड़कर लेंगे उस गैप में। देखिए इस प्रकार, अब हम डिज़ाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पर फिर हमें बनानी है तीन चेन्स जो कि हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी और आगे हमें 10 डबल क्रोचेट बनाने हैं जो कि हमने यह पीछे पांच चेन्स की लूप बनाई है उसमें बनेंगे। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 10 डबल क्रोचेट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। यह 10 डबल क्रोचेट जहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं वहाँ का जो खड़ा हमारा यह डबल क्रोचेट सफ़ेद डिज़ाइन के साथ जुड़ा हुआ है, अब उसमें हम बनाएंगे पांच डबल क्रोचेट, एक, दो, तीन, चार और पांच। यह पांच डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अब हम इनको इस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेंगे इस प्रकार। अब वापस यहाँ पर बनेंगी हमारी पांच चेन्स, एक, दो, तीन, चार और पांच। इन पांच चेन्स को हम डिज़ाइन को पलटी करके टर्न करके जहाँ पर ये गैप दिखता है वहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेंगे इस प्रकार। डिज़ाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर इस पिछले लूप में बनेंगे हमारे 11 डबल क्रोचेट। एक पहला बनेगा तीन चेन्स का डबल क्रोचेट और फिर 10 डबल क्रोचेट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। तो यहाँ पर ये 10 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यह जो खड़ा वाला डबल क्रोचेट है उसके गैप में हम बनाएंगे पांच डबल क्रोचेट, एक, दो। यह पांच डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल
स्टिच के साथ हम इनको जोड़ लेंगे। वापस यहाँ पर बनेंगी हमारी पांच चेन्स। तो देखिए यही करते हुए हमें यह पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करके लेनी है। तो आपकी यह जो फूल या हम इसे कहते हैं पैटर्न, तो यह कुछ इस प्रकार वेवी दिखेगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे लेयर्स तैयार होते जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे पूरा करके लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार हमने यह पैटर्न आगे आगे बढ़ाया है, तो फूल की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगी। तो वापस मैं आपको बता रही हूँ, जब हम इस डबल क्रोचेट के ऊपर पांच चेन्स बनाकर, डबल क्रोचेट के ऊपर पांच चेन्स बनाते हैं, 2, 3, 4, 5, और हमें इस पैटर्न को, डिज़ाइन को उल्टा करके, पलटी करके लेना है। बाद में यहाँ पर जो गैप दिखता है पीछे की तरफ से ही हम वहाँ सुई को डालेंगे और यहाँ पर बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो ध्यान एक ही बात का यहाँ पर रखना है, जो हमने बाद में यह डिज़ाइन को टर्न करके पांच चेन्स बनाई है उसमें ही हमें यह 10 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3, और इस लूप में बनेंगे हमारे 10 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यह 10 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद यह जो सफ़ेद डिज़ाइन के साथ हमने डबल क्रोचेट बना कर लिया है, अब उसमें बनाएंगे हम 5 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4 और 5। यह 5 डबल क्रोचेट हमें जब हम इस डिज़ाइन को सीधा इस प्रकार पकड़ेंगे, तो यह 5 डबल क्रोचेट हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट के साथ जोड़कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 बन गए हैं। धागे को हम पीछे की तरफ लेंगे और बाद में यहाँ डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर यह जोड़ लेंगे। अब वापस हमें यहाँ पर बनानी है 5 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5। डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे, जहाँ पर गैप है पीछे की तरफ से सुई को उस गैप में डालेंगे और वहाँ पर बनाएंगे एक हमारा सिंगल क्रोचेट। तो यह सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद, या फिर पहले टर्न करके आप 3 चेन्स भी बना सकती है, यहाँ पर बनाएंगे सेम लूप में 10 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर यह हमारी आखिरी डिज़ाइन बनेगी। तो इसलिए अब यहाँ पर इस डबल क्रोचेट में बनेंगे हमारे 5 डबल क्रोचेट, 1, 2, 2, 4 और 5, 3। अब हमें इनको जोड़ना है। देखिए यह जो हमारी शुरुआत की पंखुड़ी है उसके नीचे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट के साथ। अब वापस हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स बना कर लेनी है और यह 5 चेन्स बन जाने के बाद हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे और यहाँ पीछे की तरफ से ही जो गैप है इन 10 डबल क्रोचेट और 4 डबल क्रोचेट के बीच वाला, वहाँ पर वापस बनाएंगे एक सिंगल क्रोचेट। डिज़ाइन को टर्न करके लिया, शुरुआत में बनेंगी 3 चेन्स और सेम उन्हीं चेन्स के लूप में बनेगा वापस 10 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3,
चार, तीन, पांच, छह, सात, आठ, नौ और 10। तो यहाँ पर पांच चेन्स के लूप में हमने पीछे की तरफ यह 10 डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। अब यहाँ जो आखिर वाला डबल क्रोचेट है उसमें बनेंगे हमारे पांच डबल क्रोचेट। तो हम डिज़ाइन कुछ इस प्रकार पकड़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे पांच डबल क्रोचेट। एक, दो, तीन, चार और पांच। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से सुई को डालेंगे, धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे और एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लूप को बड़ा करके लेंगे। लूप को बड़ा करेंगे, यहाँ पर हम धागे को काट कर गांठ बना लेंगे कुछ इस प्रकार। केवल लूप में से हमने धागे को गांठ लगा लेनी है। यह जो धागा है इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे इस प्रकार। तो देखिए यह फूल की डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आपके अगर यह डबल क्रोचेट ठीक तरह से बनेंगे, गिनती ठीक होगी, यानी कि इस राउंड में तीसरे सफ़ेद ऊल के राउंड में हमने 2 1 2 1 का पैटर्न रखा था, उसको ठीक तरह से रिपीट करने के बाद आपकी सभी पेटल्स ठीक से बनेंगी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से यह पैटर्न देखिए। यह बन जाने के बाद अब हमें इन पेटल्स के लिए यहाँ पर इस प्रकार वाइट कलर की ही बॉर्डर बनाकर लेनी है। तो अब बॉर्डर बनाने के लिए हम किसी भी पेटल में, देखिए अगर आप इस पेटल को इस प्रकार पकड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमने 3 चेन्स बनाकर ली थी शुरुआत की, उसके पहले ही यहाँ गैप में यह सफ़ेद धागा हमको जोड़कर लेना है। 2 3 गांठें लगा कर लेनी है। बॉर्डर बनाने के कारण देखिए यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर 2 3 गांठें लगाने के बाद जहाँ से हमने शुरुआत की है, गांठ बांधी है, वहीं से हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे जाना है। तो शुरुआत में तो पहले बनेगी एक चैन, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा सिंगल क्रोचेट। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पेटल की बॉर्डर भी बन जाएगी। बॉर्डर बनाने के कारण पेटल और भी अच्छी दिखती है। यह राउंड करते समय हमें धागे को एक पेटल कंप्लीट हो जाने के बाद काट कर गांठ लगानी पड़ती है और वापस दूसरे पेटल में हम धागा जोड़ कर लेते हैं। कंटिन्यू यह राउंड नहीं हो सकता है। तो देखिए हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम बना रहे हैं एक एक सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पर आखिरी गैप पे भी बनेगा एक सिंगल क्रोचेट और लूप को बड़ा करके यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। धागे को काटने के बाद हमें यहाँ पर गांठ लगाकर लेनी है इस प्रकार, और इस धागे को हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे। अब दूसरी पेटल में यही पैटर्न करने के लिए हमें वापस शुरुआत में धागा जोड़कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम वापस धागे को जोड़कर लेंगे, 2 3 गांठें बनाएंगे और सेम जैसे हमने पहले पेटल में किया था उसी प्रकार यहाँ पर शुरुआत होगी एक चैन के साथ। जहाँ पर धागे को बांधा है वहीं से शुरुआत करेंगे एक चैन बनाना और आगे फिर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा एक एक सिंगल क्रोचेट। देखिए हमने जो 10 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे और बाद में 5 डबल क्रोचेट, उन सभी के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोचेट बना कर लेना है।
और यहाँ आखिरी गैप में भी बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। और फिर लूप को बड़ा कर लेंगे, धागे को काटेंगे, धागे को काटने के बाद गांठ लगा लेंगे। तो इस प्रकार हर एक पेटल की बॉर्डर आपको बनाकर लेनी है। बॉर्डर बन जाने के बाद हमारा जो फूल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा।